बस यात्रियों पर भूत और चुड़ैलों का कब्जा। शिमला के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बहुत ही पिछड़ी हुई सोच के थे, जिसकी वजह से वहां कोई खास तरक्की भी नहीं हुई थी। धारा, तू जानती है हमारे पूरे गांव में एक चीज ने हल्ला मचा रखा है। नहीं, क्या चीज है? तभी वहां पर उनके दोस्त बिल्लू और राघव आ गए। मैं बताता हूँ धारा, तुझे दुनिया में क्या चल रहा है इस बात की कोई खबर नहीं रहती है ना? ओ हेलो, अब मेरा ज्यादा मजाक मत बना। दुनिया जमाने की सारी खबरें ज्यादातर मैं ही तुम्हें ला कर देती हूँ। तू जानता नहीं है मुझमें न चलता फिरता अखबार हूँ। हाँ, अरे अब तुम लोग ये लड़ाई बंद करो और देखो हम लोग क्या लेकर आए हैं। राघव ने अपने दोस्तों को 4 बस की टिकट्स दिखाई। अरे क्या ये बस की टिकट है? तुमने सही पहचाना, और हम चारों कल शिमला के इस छोटे से गांव से बड़े शहर मनाली जा रहे हैं। है सच्ची? हाँ, कल के पुराने अखबार सच्ची। हमने पहले ही टिकट खरीद ली ताकि कल जाने में कोई दिक्कत ना आए। फिर क्या था, चारों दोस्त गांव से पहली बार बस में सफर करके मनाली जाने को तैयार हो गए। वो समय से बस में जाकर बैठ गए और कुछ ही देर में पूरी बस खचाखच भर गई। मेरी मम्मी ना मना कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह मना ही लिया। मेरी मम्मी भी मुझे आने से रोक रही थी, लेकिन जब मैंने बाबा को बताया तो उन्होंने मम्मी को मना लिया और मुझे भी किसी तरह परमिशन मिल ही गई। चलो अच्छा है कि तुम्हारे घर वाले मान गए। कुछ ही देर में सभी जाने वाले लोग आ गए और बस चलने लगी। मैं तो पहली बार ऐसी किसी चीज के अंदर बैठी हूँ। वाह, कितना मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन धारा तू अपनी जरूरत का सामान लेना तो नहीं बोली ना? नहीं। अपना मेकअप भी? लेकिन तू मुझसे मेरे मेकअप के बारे में क्यों पूछ रहा है? ओहो, मैं तेरी बात समझ गई। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। बिल्लू, तू भी ना, तू भी हंस रही है। जाओ, मुझे तुम सबसे बात ही नहीं करनी है। इसी तरह हंसी खुशी सभी का सफर जारी था। बस एक पहाड़ी पर से गुजर रही थी कि तभी अचानक बस को एक जोरों का झटका लगा। ये क्या हो रहा है? मम्मी, क्या ये बस फटने वाली है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गौरी ने ऐसा बोलकर जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि बस आधी पहाड़ी से लटकी हुई थी। उसके दो पहिए खाई की तरफ थे तो दो जमीन पर, और बस धीरे धीरे खिसकती हुई खाई में गिरती जा रही थी। राघव, राघव, इस बस से निकलकर चलो, ये खाई में गिरने वाली है। गौरी की बात सुनकर बस में बैठे हुए सभी लोगों ने भागना चाहा। जैसे ही बस के आगे के हिस्से की तरफ वजन बढ़ा तो बस फौरन खाई में जा गिरी और सारे पैसेंजर्स एक ही झटके में मारे गए। लेकिन ऐसी अकाल मौत के बाद कुछ लोगों को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। तो धारा, गौरी, बिल्लू और राघव फिर से चुड़ैल और भूतों के रूप में लौट आए। आज भी एक बस उस रास्ते से गुजर रही थी जिसमें मोना नाम की एक लड़की सफर कर रही थी। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने बोला था कि मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊंगी, लेकिन इस ट्रैफिक जैम ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। मोना कई सालों से शहर से अपने घर लौट रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि तभी बस उसी खूनी रास्ते से गुजरी, जहाँ बस की आवाज सुनते ही वहाँ फिर से भूत और चुड़ैल आ गए। अचानक बस क्यों रोक दी? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, चुड़ैल धारा ने मोना से कहा, क्योंकि अब तेरी सांसें भी रुकने वाली हैं। मोना ने पलट कर देखा तो वो अपने पीछे एक चुड़ैल को देखकर हैरान हो गई और उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। क्या हुआ, मुंह से आवाज ही आनी बंद हो गई? अब तो सांस का भी बंद होना बाकी है। गौरी ने ऐसा बोलकर एक इशारा किया। चलो मेरे भूत और चुड़ैल साथियों, ले चलो इस बस को। उन्होंने अपने जादू से बस को उठाया और अपनी गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर का मंजर देख मोना बहुत डर गई, क्योंकि वहाँ पर जंजीरों से बंधे हुए बहुत सारे इंसान थे। कुछ तो वहाँ इतने ज्यादा समय से भी बंधे हुए थे कि वो वहीं बंधे बंधे ही दम तोड़ चुके थे। तो कुछों की तो खाल भी उनके शरीर से हटकर राख हो गई थी और बस कंकाल ही बाकी था। हे ऊपर वाले, क्या मेरा भी यही हाल होने वाला है? मोना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक चुड़ैल उसके पास आई और उसे एक कोठरी में बंद करने को लेकर जाने लगी। चल मेरे साथ। मोना कुछ कदम तो उसके साथ चली, लेकिन जैसे ही उसने खुद को उस चुड़ैल के साथ अकेला पाया तो उसने वहीं से थोड़ी सी धूल उठाकर उस चुड़ैल की आंखों में डाल दी और वहां से निकलकर भागने लगी। कोई गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जैसे ही गौरी ने जाकर देखा तो वो मोना को वहां ना देखकर आग बबूला हो गई। पकड़ो उस लड़की को।
चारों भूत और चुड़ैल मोना को पकड़ने के लिए निकल गए। बेचारी मोना नंगे पांव ही जंगल में बिना किसी चीज की चिंता किए बस भागी चली जा रही थी। हे ऊपर वाले, बस आज बचा ले, मोना ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ वो चारों भूत और चुड़ैल आ गए। भागना है ना तुझे, चल भाग, हमारा भी खेलने का मन कर रहा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, मोना रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही थी कि तभी धारा चुड़ैल उसके ऊपर झपटी। लेकिन मोना ने खुद को बचा लिया और फिर से भागना शुरू कर दिया। कहाँ तक भागोगी? मोना बुरी तरह थक चुकी थी लेकिन उसके कदम नहीं रुक रहे थे। भूत और चुड़ैल भी उसके पीछे ही थे कि तभी मोना भागते हुए एक तांत्रिक बाबा से टकरा गई। क्या हुआ बच्चा? प्लीज मुझे इनसे बचा लो। बाबा ने जैसे ही अपनी नजर को उठाकर देखा तो उसे वहाँ भूत और चुड़ैल नजर आए जो मोना के खून के प्यासे लग रहे थे। घबरा मत बच्चा, ये बुरी शक्तियाँ तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। बाबा ने ऐसा बोलकर एक जादुई धागा निकाला और उन भूतों और चुड़ैलों की तरफ फेंका। जैसे ही वो धागा उसकी तरफ बढ़ा तो वो अचानक ही एक फंदे में बदल गया और उन भूतों चुड़ैलों को उसमें जकड़ लिया। ये क्या है? छोड़, छोड़ दे हमें। तुम वही भूत और चुड़ैल हो ना जो मासूम लोगों की बिना वजह जान ले रहे हो। ए बाबा, ज्यादा बातें मत बना वरना। इससे पहले तुम कुछ करो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और अब तुम अपनी असली जगह जाने को तैयार हो जाओ। तांत्रिक बाबा ने दो चार बूंदे गंगा के पवित्र जल की उन भूतों और चुड़ैलों पर डाल दी और वो सभी वहाँ जल कर राख हो गए। उन चारों के जलने से गुफा में रहने वाले भूत चुड़ैल भी जल गए और गुफा में बंद सभी लोग आजाद हो गए। शुक्रिया बाबा, अगर आज आप ना होते तो कभी भी ये चमत्कार ना हो पाता। बेटी शुक्रिया मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का अदा करो, अब मैं चलता हूँ। तांत्रिक फिर से अपनी राह निकल गया। मोना भी अपने घर आ गई और अपनी माँ से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रो रही हो, कुछ बता तो सही। आपको फिर से देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई माँ। मोना फिर से अपनी माँ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। सभी लोग भी अब उस भूतिया गुफा से आजाद हो चुके थे और अब वहाँ किसी भूतों और चुड़ैलों का कब्जा भी नहीं था। एक बार फिर गांव में पूरी तरह शांति छा चुकी थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।